सब लोग किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की होती है और गर्मियाँ हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट पुडिंग और इसको मैं विदाउट एग बनाऊंगी। ये एगलेस है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बहुत ही कम चीज़ें हैं और तकरीबन सारी ही चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मिल्क ले लिया है, जो नॉर्मल हमारे घर के यूज़ का होता है वो लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून, ये वाले जो स्पून होते हैं ये मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून। और कोको पाउडर भी मैंने 5 टेबल स्पून लिया है। और शुगर मैंने ली है 1/3 कप और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिए है इसके अंदर क्रीम। और 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं ये चॉकलेट चिप। अगर आपके पास ये वाले चॉकलेट चिप्स घर में नहीं है तो इसके अंदर जो है बच्चों की जो चॉकलेट वगैरह होती है वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी ये वनीला एसेंस। तो सिर्फ इन चीज़ों से ही मैं बनाने वाली हूँ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पाउडर वाली चीज़ें हैं इसको हम कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर ले लिया है मैंने और इसी के अंदर मैं डालूंगी ये कोको पाउडर, इसके अंदर डालूंगी मैं ये शुगर और इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है क्योंकि कॉर्नफ्लावर के अंदर भी और कोको पाउडर के अंदर भी जो है थोड़े से लम्स टाइप की चीज होती है। तो इसको मैंने इस तरीके से कर लिया है और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये मिल्क। इसको मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको चूल्हे पे करती तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है तो वो बहुत जल्दी जो है गुठलियाँ बन जाती हैं। तो पूरा पहले हम इसको यहाँ मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको चूल्हे की तरफ लेके जाएंगे पकाने के लिए। तो मैं इसको सारा मिक्स करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको डालूँगी पैन के अंदर। ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, बल्कि थोड़ा सा। और अब मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूंगी और मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। बस इसको इस तरीके से मैं चलाती रहूंगी और जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं इसके अंदर क्रीम और चॉकलेट चिप डालूंगी। बहुत जल्दी हो जाता है ये क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स तो आपको पता है कि कितनी जल्दी जो है वो ठीक कर देता है। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है वो है। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये कितनी अच्छी सी जो है वो थिक हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चॉकलेट चिप। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये वाली क्रीम ताकि ये हमारी जो डेजर्ट है ये बहुत ही रिच सा बने पुडिंग हमारी। तो बस मैं इसको मिलाऊंगी और मैं इसको मुस्तकिल चमचा चलाती, स्पैचुला इसके अंदर चलाया है मैंने ताकि ये कहीं से भी लगे ना। देखिए इस तरीके से बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें बस ये हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम करूंगी ऑफ और इसको मैं ग्लासेस में निकाल के इसको फ्रीज़र में रखूंगी मैं 3 घंटे के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही मज़े की लगेगी भी ठंडी होने के बाद। तो बस मैं इसका चूल्हा करती हूँ बंद और इसको निकालती हूँ ग्लासेस में। ये देखिए मैंने इसको इस तरह निकाल लिया है एक जग में ताकि ईजीली इसको मैं इसमें ग्लासेस में पोर कर सकूँ इस तरीके से। और इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी रिच मज़ेदार बनती है ये बहुत। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है और ये बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र के अंदर। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ 3 घंटे के बाद।
ये देखें ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं और इसको 3 घंटे हो चुके हैं। और अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी व्हाइट चॉकलेट के साथ, तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी, ज़रा टेम्पटिंग लगेगा, प्रेजेंटेबल, तो इस तरीके से कर दूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो ये टोटली ऑप्शनल है, इसको करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने में ये खूबसूरत लग रहा है तो बस इसलिए मैंने इसको कर दिया है। और ये बहुत ही मज़े का बना है, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।